दोस्तों, आप सबको दिनेश दधीचि जी का नमस्कार। अंग्रेजी कविताओं के भावानुवाद हिंदी कविता के रूप में प्रस्तुत करने का सिलसिला जारी रखते हुए आज मैं समकालीन अमेरिकी कवि प्रोफेसर अल्बर्टो रियोस की एक सशक्त कविता वी आर ऑफ अ ट्राइब का हिंदी में भावानुवाद प्रस्तुत कर रहा हूं। इसकी अंग्रेजी में ओरिजिनल टेक्स्ट आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। तो प्रस्तुत है यह कविता जिसका शीर्षक है, हम सब एक ही जाति के हैं। हम सब एक ही जाति के हैं। हम धरती में बीज बोते हैं और आकाश में सपने। हम धरती में बीज बोते हैं और आकाश में सपने, इस उम्मीद में कि किसी दिन एक की जड़ें दूसरे के ऊपर को फैले हुए बाजुओं से मिल जाएंगी। इस उम्मीद में कि किसी दिन एक की जड़ें दूसरे के ऊपर को फैले हुए बाजुओं से मिल जाएंगी। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। आकाश साझा है हमारा, हम सब का, सारी दुनिया का। हम सब उन आंखों की जाति के हैं जो ऊपर को देखती हैं, जबकि हम अनिश्चय की जमीन पर खड़े होते हैं। हमारे नीचे पृथ्वी गतिमान रहती है, चुपचाप, बेलगाम और उद्दाम। इसकी सीमाएं बदलती रहती हैं, इसकी मांसपेशियां होती हैं अस्थिर और डावांडोल। हमारे नीचे पृथ्वी गतिमान रहती है, चुपचाप, बेलगाम और उद्दाम। इसकी सीमाएं बदलती रहती हैं, इसकी मांसपेशियां होती हैं अस्थिर और डावांडोल। आकाश के सपने को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, न सीमाओं से, न दीवारों से और न ही पाबंदियों से। आकाश हमारा सांझा घर है, वही जगह है जहां हम सब रहते हैं। वहां उस दुनिया में हम सब इकट्ठे हैं, एक साथ हैं। आकाश हमारा सांझा घर है, वही जगह जहां हम सब रहते हैं। वहां उस दुनिया में हम सब इकट्ठे हैं, एक साथ हैं। आकाश के सपने को किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं। वो नीला आकाश दीवारों में नहीं बटेगा, वो नीला आकाश कभी अपराध नहीं बनेगा। आकाश के सपने को किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं। वो नीला आकाश दीवारों में नहीं बटेगा, वो नीला आकाश कभी अपराध नहीं बनेगा। ऊपर देखो, थम जाओ जरा, अपनी सांसों को धीमा हो जाने दो। ये जान लो कि यहां यानी आकाश में तुम्हारे लिए हमेशा घर मौजूद है। ऊपर देखो, थम जाओ जरा, अपनी सांसों को धीमा हो जाने दो। ये जान लो कि यहां तुम्हारे लिए हमेशा घर मौजूद है।